पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इतनी सिंपल चीज नहीं है जिसको कि आप बकेट में डालकर एक्सप्लेन कराना चाहते हैं। मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है मैं उसको आपको मैं जान बुझ उसको अवॉइड करता रहा हूँ कि उसको बहुत एक्सप्लेन करने के लिए समय भी चाहिए और समझने की आपकी क्षमता और विलिंगनेस भी चाहिए। मेरा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको मैं एक फ्रेज में कहता हूँ इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म। इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म रूटेड इन गांधीयन आइडियोलॉजी एंड द प्रीचिंग्स ऑफ गांधी। अगर आप मेरा ट्विटर का प्रोफाइल देखेंगे तो उसमें 5 words लिखे हुए हैं, नेवर गांधी। मैं डेफिनेटली गांधी के विचार से, गांधी के आइडियोलॉजी से, गांधी जी की बताई हुई बातों से बहुत बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन अगर उस चीज को आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में ढालना चाहेंगे तो मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल है कि मैंने इसको पहले भी इंटरव्यू में समझाने की कोशिश करी है कि गांधी जी ने जैसे मानी है कि उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया, तो अगर आप उसको सीधे आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आप कहेंगे कि उन्होंने संघ का समर्थन कर दिया। गांधी जी ने स्टेट ओनरशिप की बात कही, इसका मतलब कि वो उनकी आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी हो गई। गांधी जी ने स्वराज की बात कही, उसके हिसाब से सोशलिस्ट हो गए और कांग्रेस में तो वो थे ही। ये डीप रूटेड क्वेश्चन है, अगर आइडियोलॉजी आपको डिफाइन करनी है जो कि गांधी के विचारों से प्रेरित हो तो इसके लिए जो वर्ड है, जो फ्रेज है, मेरी समझ से जो है जिसको मैं लिखूंगा आगे आगे लिख के मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म विथ 4 keywords एज ए फाउंडिंग प्रिंसिपल। जो संविधान के प्रस्तावना में 4 बातें लिखी गई हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इगैलिटेरियन ह्यूमैनिज्म विथ दीज 4 key fundamental प्रिंसिपल्स विच इज गाइडेड बाई गांधीयन फिलोसफी टीचिंग वैल्यू। प्रशांत जी, आमतौर पर चुनाव